हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है बेटा आप सभी लोग ठीक होंगे, ठीक है, और पढ़ाई कर रहे होंगे और अब रक्षाबंधन आपकी अच्छे से बीती होगी, ठीक है। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आज हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट्स रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, ठीक है, और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे आप लोगों का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ठीक है, कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की। अगर इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था, अगर नॉर्थ साइड को फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन साउथ को होगी, ठीक है। तो अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। अब देखिए, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट, ठीक है। जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो होती है पॉजिटिव टर्मिनल से एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल की ओर को डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की एक आउटर सर्किट में। जैसे आप देख सकते हैं, ये सेल है, देखिए ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगी नेगेटिव टर्मिनल की ओर। देखिए एरो भी बनाया हुआ है, वो पॉजिटिव से गई कहाँ को? नेगेटिव टर्मिनल के ओर को, क्लियर, ठीक है। और करंट आपको दिख रहा होगा, जो मैंने इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है, जो एरो बनाया है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर को जा रहा है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में हम कैसे दिखाएंगे? हम एरो पुट करेंगे, वी पुट द एरो ऑन द कनेक्टिंग वायर, ठीक है, एरो पुट करेंगे कनेक्टिंग वायर में फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को हम एरो पुट करेंगे, ताकि हम डायरेक्शन शो कर सकें, टू शो द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है। ये डायग्राम इसलिए मैंने बनाया है, ठीक है। कैसे हम शो करेंगे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की सर्किट डायग्राम में? एरो पुट करेंगे, वी पुट द एरो लगाएंगे कनेक्टिंग वायर में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के ओर को, ठीक है। अब देखिए, पॉजिटिव से जा रहा है तो एरो वैसा है, नेगेटिव में आ रहा है तो एरो ऐसा होगा, क्लियर। तो ये आपका पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर को आ रहा है, क्लियर। ये डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की। आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट, क्लियर। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि जो द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउएवर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन जो एक्चुअल फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जिससे करंट उत्पन्न होता है, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को होती है। अब जाहिर सी बात है, करंट की अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को है डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन की कहाँ पर होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को होती है, ठीक है, और ये बिल्कुल अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो ये आपको पता, मैंने पहले ही बता दिया, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट के, क्लियर। अब है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? कंटिन्यूस, लगातार चलने वाला, और क्लोज्ड पाथ, सबसे नजदीक रास्ता है इलेक्ट्रिक करंट का, क्लियर। और दूसरी डेफिनेशन, अ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एसेट्रा एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। हालांकि आपको ये बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी है ऊपर वाले से। एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ, एक लगातार कंडक्ट करने वाला रास्ता जिसके अंदर वायर्स हों और दूसरे रेजिस्टेंस हो, जैसे कि बल्ब हो गया और स्विच हो गया, दो टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी के बीच में, जिसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाए, तो उसी को सर्किट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? अ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड सर्किट, उसी को सर्किट बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है, क्लियर।
उम्मीद है समझ गए होंगे आप, ठीक है। और एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके का होता है मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब देखिए, अब आप फिगर में देख सकते हैं इसको, ये फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब आप फिगर ये बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है इन फिगर 11.11A, ठीक है। आपके पास देखिए, वी हैव अ सेल हैविंग पॉजिटिव टर्मिनल, आपके पास एक सेल है, ठीक है। वी हैव अ सेल जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। देखिए ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है, ठीक है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ द बल्ब होल्डर विद अ कॉपर वायर कॉल्ड कनेक्टिंग वायर। जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये किससे जुड़ा हुआ है, एक है बल्ब होल्डर जो है, ये बल्ब होल्डर है उसके एक एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कॉपर वायर के साथ, जिसको आप कनेक्टिंग वायर भी बोलते हैं। एक स्विच थ्रू अ स्विच, एक स्विच से, ठीक है। और द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द बल्ब होल्डर। और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है बल्ब होल्डर के दूसरे एंड से, एक एंड से नेगेटिव है, एक दूसरे एंड से पॉजिटिव है, ठीक है। सो द सर्किट, तो इसीलिए जो सर्किट है 11 जो ए वाला सर्किट है वो कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि उसके दोनों एंड क्या है, एक एंड जो होल्डर का है वो पॉजिटिव से जुड़ा, एक नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो सर्किट क्या है, कंप्लीट है। हैंस द करंट फ्लो इन दिस सर्किट, इसीलिए आपका सर्किट कंप्लीट है तो इसमें करंट फ्लो होगा। द करंट मेक द बल्ब लाइट आउट, जब करंट फ्लो होगा तो देखिए बल्ब क्या होगा, लाइट करेगा, लाइट मतलब जलेगा, ठीक है। तो ये तो था आपका सर्किट कंप्लीट। इफ वी हैव ओपन स्विच, अगर हमारे पास ओपन स्विच होगा, यहाँ पर तो स्विच क्लोज्ड था, देखिए क्या है, स्विच क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। इफ वी ओपन द स्विच एज शोन इन फिगर 11B, अगर हम स्विच को ओपन करते हैं, जैसे कि 11B में देखिए ये आपका स्विच है, ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अगर हम स्विच को ओपन कर दें, इफ वी ओपन द स्विच देन द गैप इज क्रिएटेड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कनेक्टिंग वायर। अगर हम स्विच को ओपन कर दें तो जो गैप होगा, गैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, किसके बीच में, जो दो एंड है कनेक्टिंग वायर उसके बीच में क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ड्यू टू दिस वन टर्मिनल ऑफ द सेल गेट डिसकनेक्टेड, और इसी कारण से एक टर्मिनल जो सेल का होगा वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, किससे, बल्ब से, और करंट स्टॉप फ्लोइंग इन द सर्किट, और करंट सर्किट में बहना रुक जाएगा, करंट जो फ्लो होना बहना बंद हो जाएगा एक सर्किट में, ठीक है। तो वेन द स्विच इज ओपन, इसीलिए जब स्विच ओपन होता है द सर्किट ब्रेक्स एंड नो करंट फ्लो थ्रू द बल्ब, ठीक है। और जब भी स्विच ओपन होता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, सर्किट टूट जाता है, ठीक है, और नो करंट फ्लो थ्रू द बल्ब, और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा बल्ब में, और जब करंट ही फ्लो नहीं होगा बल्ब में, द बल्ब स्टॉप ग्लोइंग, और बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने आपको आज बताया, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने आज करी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने बताया, और आपको ये इलेक्ट्रिक सर्किट का मैंने ये डायग्राम एक्सप्लेन किया, तो आप इसका डायग्राम बना लीजिएगा ये दो, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है, और मिलेंगे हम कल हम मिलेंगे सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो सर्किट सिंबल होते हैं उनके साथ मिलेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।